नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ उत्तराखंड से जुड़े एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर। कोविड-19 है, छोटे राज्य में संख्या बहुत बड़ी हो गई है और छोटे राज्य को ये बड़ी संख्या, ये बड़ा स्कोर कम करने के लिए क्या करना होगा और आखिर ये मरीजों का स्कोर इतना लंबा क्यों हुआ, इसने इतनी हाइप क्यों ली, मैं आपको बताऊँगा। और कि राज्य में और क्या क्या हुआ, कोविड-19 के नियमों को मंत्री ने किस तरह से धता बताया और कोविड-19 का कहर उत्तराखंड में पिछले 20 दिन में अचानक किस तरह से और किस तेज़ी से बढ़ा, उसकी क्या वजह रही, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है। सभी जानते हैं पहाड़ से पलायन की एक मुख्य वजह स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध नहीं होना है। पहाड़ में तमाम क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं और जब वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं मिली, जब लोगों को सही से उपचार नहीं मिला और बीमार लोगों को भी देहरादून और इधर उधर दौड़ना पड़ा, तो वहाँ से पलायन होना शुरू हो गया। हालांकि ये एकमात्र वजह पलायन की नहीं हो सकती, पलायन की और भी वजह हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, तमाम उसमें ऐसी सर्विसेज हैं जो लोगों को दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। चूँकि इस समय कोविड-19 है तो हम केवल स्वास्थ्य विभाग का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के जो इंतजाम उत्तराखंड में हैं वो नाकाफ़ी हैं और इसी वजह से लोगों ने पहाड़ से पलायन किया। अब जब कोविड-19 जैसी महामारी ऐसे किसी राज्य में आ जाए जहां पर स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आप सोचिए क्या नज़ारा हो सकता है और उसका क्या अंजाम हो सकता है। और सरकार के जो रणनीतिकार थे इस महामारी से निपटने के लिए, उन्होंने अपनी रणनीति इतनी गलत ढंग से अख्तियार की कि एक के बाद एक गलतियाँ करते चले गए। प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने का ही मामला लीजिए, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी। ट्रेन और बसों से आए लोग होम क्वारंटाइन के नाम पर सीधे उनके घरों को भेज दिया गया। गांव में जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहां से लोगों के चोरी छुपे अपने घर जाने और आने की तमाम घटनाएं सामने आई। और इस निगरानी के लिए राज्य सरकार ने इतने संवेदनशील कार्य के लिए ग्राम प्रधान के कंधों पर सारी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ग्राम प्रधान की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो उन लोगों पर नज़र रखे, लेकिन अकेला ग्राम प्रधान क्या कैसे कर सकता था, ये जो व्यवस्था सरकारी सिस्टम नहीं कर सकता, जो व्यवस्था पूरी सरकार और प्रशासन नहीं कर सकता, वो अकेला ग्राम प्रधान उसको कैसे कर सकता था, इसको सोचने में या इसका आकलन करने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्रवासियों का जैसे ही उत्तराखंड में आना शुरू हुआ, उस दौरान सरकार ने जो एहतियात बरतनी चाहिए थी वो नहीं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ भी एक बताता हूँ कि प्रवासियों के लिए जब रजिस्ट्रेशन हो गए थे, जब 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन आने के लिए करा दिया था, तो किसी तरह की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। प्रवासियों के आवागमन के बाद कोरोना का आवागमन भी बढ़ गया, संख्या बढ़ने लगी और संख्या जिस तेज़ी से बढ़ी वो सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफ़ी था। क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं और अराजकता का बोलबाला था, प्रवासियों का परीक्षण नहीं हुआ और दूसरा क्वारंटाइन सेंटर जिस तरह के थे वो उनमें अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। 9 से ज़्यादा मौत इन सेंटरों में हुई, 8 मौत अकेले पौड़ी जिले में हुई, जिनमें 6 मौत क्वारंटाइन सेंटर में और 2 आइसोलेशन वार्ड में हुई। हिफाजत के नाम पर ये सेंटर जहमत के सेंटर बन गए। नैनीताल में क्वारंटाइन सेंटर में एक सांप निकल आया और उसने एक बच्ची को डस लिया और उस बच्ची की मौत हो गई। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड के सामने थी। ये इतना एक मार्मिक और दर्दनाक दृश्य था कि इसको सुनकर और देखकर लोग सहम गए। रामनगर में नैनीताल जिले का ही जो हिस्सा है, वहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर में सांप निकल आया और लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। 7 अप्रैल को रुद्रपुर में क्वारंटाइन सेंटर के एक मरीज ने सुसाइड कर लिया। और पौड़ी की जैसे कहानी मैंने अभी आपको बताई, उसी तरह से मुंबई से चंपावत लौटे कोरोना मरीज की हल्द्वानी में डेथ हो गई। प्रवासियों के लिए आने की जो व्यवस्था थी, जो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उन क्वारंटाइन सेंटर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। आप ताज्जुब करेंगे, 10 से ज़्यादा मौत उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटर में अब तक हो चुकी है। एक ऐसी घटना नैनीताल के क्वारंटाइन सेंटर में हुई कि एक सांप ने एक छोटी बच्ची को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये एक दिल दहला देने वाली बात थी, ये एक हृदय विदारक घटना थी, लेकिन
सरकार के कर्णधारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बताता था कि क्वारंटाइन सेंटर की भीतर की जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं। ये एक बड़ा कारण था कि हम मरीजों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पाए। हम जिन लोगों को हमने क्वारंटाइन किया था, हम उनके लिए पर्याप्त वो सुविधा मुहैया नहीं करा पाए जो हमारी ड्यूटी थी, जिसको हमें कराना था, जिसके लिए हमने इतना बड़ा इंतजाम करने का दावा किया था। इस तरह से ये सिलसिला चला और एक गलती के बाद दूसरी गलतियां होती रही। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो VVIP से इस बीमारी को फैलने में एक बहुत बड़ी मदद मिली। VVIP जो सिस्टम था, VVIP जो सिंड्रोम था, ऐसी महामारी में भी यहाँ पर सिर चढ़कर बोलता रहा। कैबिनेट मंत्री जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने COVID-19 के नियमों को बुरी तरह से धता बताया। अंजाम ये रहा कि उनके परिवार के 22 लोग और एक उनका गनर, कुल मिलाकर 23 लोग संक्रमित पाए गए, जिनका अभी इस समय एम्स में उपचार चल रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोगों ने भी इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रुद्रपुर से भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल लॉकडाउन को धता बताते रहे। बहुत अंतिम तौर पर जाकर, बहुत अंतिम समय में जाकर उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के भ्रमण के चक्कर में पार्टी के राज्य मुख्यालय को प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन इस दौरान भी पार्टी नेताओं ने नियमों को ठोकर में रखा और किसी भी तरह से अपने कार्यालय को क्वारंटाइन नहीं होने दिया। सूचना प्राप्त हुई कि हमारे एक वरिष्ठ मंत्री जिनका कोरोना पॉजिटिव आया, तब तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी और जो वहाँ उपस्थित 3 मंत्रीगण थे, सबने निर्णय लिया कि हम लोग अपने आप को सेल्फ होम क्वारंटीन कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी निर्णय लिया कि जिस प्रकार की भारत सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस प्रकार का उत्तराखंड सरकार के शासन की गाइडलाइन होगी, उनके अनुसार हम उसके बाद उसका जो भी निर्णय होगा उसको फॉलो करेंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था देखने को मिली, कहीं पर भी समुचित व्यवस्था नहीं। पानी का अभाव है, खाने का अभाव है, शौचालय का अभाव है। और अगर यही स्थिति सरकार की रही, यही कार्य करने की शहरी सरकार की रही, तो निश्चित रूप से आप निकट भविष्य में पाएंगे कि यह कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड राज्य जो है रेड जोन में आ जाए। इसके बाद सरकार अपने VIP पर अंकुश नहीं लगा पाई। VIP नियम तोड़ते रहे और VIP के नियम तोड़ने से जनता को परेशानी होती रही। और जनता को ही नहीं, ये जो VIP नियम तोड़ रहे थे, ये अपने लिए ही नुकसान कर रहे थे। सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि वो ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे एक ये जनता के भीतर मैसेज जाए कि सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही है। 20 तारीख को सतपाल महाराज का आवासीय परिसर क्वारंटाइन कर दिया गया, क्योंकि उनके पास बाहर से कुछ लोग आए थे, उनके भक्तगण थे, उनसे मिलने आए थे। क्वारंटाइन करने के बावजूद 21 और 29 तारीख की कैबिनेट में सतपाल महाराज ने प्रतिभाग किया। बात यही नहीं रुकी, जिस दिन टेस्ट आया उनकी पत्नी क्वारंटाइन हो गई, उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव आ गया, तब जाकर प्रशासन ने सतपाल महाराज का सैंपल लिया और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और 41 सैंपल उनके घर से लिए गए और 41 में से 23 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये एक बड़ी बात थी। गलतियों का ये सिलसिला सरकार में और संगठन में यही नहीं रुका। सरकार ने ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में अपने स्वास्थ्य सचिव को भी बदल दिया। अभी तक जो स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे नीतीश कुमार झा को बदलकर उनके स्थान पर अमित नेगी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। अमित नेगी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन उनके पास पहले से ही इतने विभाग हैं, वो गोपन, वित्त, प्लानिंग और मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। सवाल यह उठा सरकार की नीयत पर कि ऐसे में हेल्थ सेक्रेटरी को बदलना क्या उचित था। तो ये प्रश्न आज भी अपनी जगह खड़ा हुआ है और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी को किसी भी राज्य ने देश में इस एपिडेमिक में नहीं बदला। जब पीक था और संवेदनशीलता और गंभीरता बढ़ती जा रही थी, तब स्वास्थ्य सचिव को, स्वास्थ्य महकमे के मुखिया को बदल देना ये सामान्य प्रक्रिया कतई नहीं हो सकती है। क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा था, हेल्थ सेक्रेटरी बदल दिया गया, मंत्री लगातार कानून तोड़ रहे थे, विधायक कानून तोड़ रहे थे,
प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उनकी वजह से प्रदेश भाजपा मुख्यालय 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गया था, लेकिन नियमों को मानने के लिए फिर भी कोई तैयार नहीं था। अव्यवस्थाओं का आलम यह रहा कि जब टीवी पर क्वारंटाइन सेंटर के अव्यवस्थाओं की खबरें चलने लगी, जब एबीपी गंगा ने उसको अभियान के तौर पर बहुत प्रमुखता से दिखाना शुरू किया, तो उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसका संज्ञान लिया और अंदरूनी तौर पर जांचने के लिए सरकार पर भरोसा नहीं किया। उसने नैनीताल हाईकोर्ट ने इस काम के लिए जिलों में तैनात अपने जजों को निरीक्षण करने के आदेश दिए, तो सभी जिलों में जो जजगण थे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज चुके हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जब हाईकोर्ट को सरकार पर कतई भरोसा नहीं रह गया था और वो अपने जजों से निरीक्षण करके आख्या मंगा रहा था। प्रवासी उत्तराखंडियों के मामले में भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और जब वो इस पीरियड से बाहर आ जाते हैं और खतरे की जद से बाहर आ जाते हैं तब उनको उनके घर भेजा जाए। इससे पहले किसी को उनके घर जाने की या होम क्वारंटाइन करने की इजाज़त नहीं होगी। उच्च न्यायालय नैनीताल सब कुछ देख रहा था और नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद सरकार गंभीर हुई और जो ये तमाशा क्वारंटाइन सेंटर में चल रहा था वो थमा तो नहीं, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ा। लेकिन अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि संख्या जिस तरह से मरीजों की इतने ऊपर पहुंच गई है वो एक साधारण बात अब नहीं रह गई है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का होना अपने आप में एक हैरतअंगेज घटना है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। एम्स ऋषिकेश की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई। मेडिकल इमरजेंसी के इस समय में ऋषिकेश जैसा संस्थान गलतियां भी कर सकता है, यह एक आश्चर्यजनक है और हैरतअंगेज खुलासा है। इस पर शायद ही कोई यकीन करे। एक बार तो जिस तरह से एम्स का मेडिकल स्टाफ ही संक्रमित होने लगा था और ये संक्रमण का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा तो उससे हाहाकार मच गया। पिछले दिनों ही जब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के संक्रमित परिजनों को एम्स प्रशासन ने घर में ही उपचार के लिए छोड़ दिया तो यह एक बड़ी गलती थी और एम्स ने यह चूक की। लेकिन जैसे ही देहरादून जिला प्रशासन को इसका पता चला तो हड़कंप मच गया कि कैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एम्स ने रिलीज कर दिया। बीच रास्ते से ही उनको वापस एम्स भेजा गया और प्रशासन ने इस बात को सख्ती से कहा कि किसी भी कीमत पर इनको घर के लिए ना भेजा जाए। और इंतहा तब हुई जब एम्स के दो डॉक्टरों का परस्पर विरोधी बयान आया। पहला बयान ये था कि वहाँ पर हमने देख लिया था उनके घर में ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब उनको प्रशासन ने वापस कराया तो दूसरे दिन एक दूसरा मैसेज आया, दूसरी बाइट एम्स के डॉक्टर की आई और उन्होंने कहा कि उनके घर में समुचित इंतजाम नहीं थे इसलिए उनको वापस बुलाकर रीएडमिशन दिया गया है। तो एम्स के पहले दावे पर गौर किया जाए या दूसरे पर, पहला सही है या दूसरा सही है यह अभी पता नहीं चल पा रहा है, या सतपाल महाराज ने अपने मंत्री पद का नाजायज फायदा उठाते हुए वहाँ से अपने परिजनों को जबरन रिलीज कराने के लिए ये कदम उठाया था। उनका डिटेल में एग्जामिनेशन किया गया था और वो सारे ही सदस्य एसिम्प्टोमेटिक पाए गए थे, जिसमें से कि आज चार सदस्यों का जिस और उसके अलावा एक छोटा बेबी भी है उसमें, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोरोना का रोगी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक है, स्टेबल है, तो उसको डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन भेजा जा सकता है अगर उसके पास होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के पास होम क्वारंटाइन की अच्छी फैसिलिटी हैं जहां पर ये हॉस्पिटल से ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और दो सदस्यों को अभी भी हॉस्पिटल में रखा गया है। अन्य मंत्री जी के दोनों सुपुत्रों एवं उनकी पुत्रवधुओं के साथ 5 साल का एक बच्चा भी था।
इन सब लोगों को कल एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। यह डिस्चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ था। जब हमने इन्हें डिस्चार्ज किया तो हमको ये ज्ञान था कि ये होम आइसोलेशन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ पे ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत हम लोगों को पता चला कि उनके निवास स्थान पे सुविधाएं समुचित नहीं हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि ऐसे स्थिति में हमने उनको वापस लेना ही था, जिससे कि उनका प्रॉपर केयर हो सके, उनके ऊपर हम पूरी तरह से ध्यान दे सके और अन्य कोई भी इसे संक्रमित ना हो। एम्स ऋषिकेश ने सतपाल महाराज के परिजनों को डिस्चार्ज कर दिया जो कोरोना पॉजिटिव थे। जैसे ही प्रशासन को पता चला तो बीच रास्ते से ही उनको फिर से एम्स में भर्ती कराया गया। इतना तमाम घटनाक्रम होता रहा, मंत्री महामंत्री विधायक नियम तोड़ते रहे, मुख्यमंत्री नसीहत देते रहे, किसी ने किसी की परवाह नहीं की, सब अपने मन की कर रहे थे। जनता में लगातार गुस्सा बढ़ रहा था, जनता सरकार के प्रति बहुत नाराज हो रही थी। जनता की नाराजगी खुलकर सामने भी आने लगी थी और ख़ास तौर पर उन लोगों की नाराजगी जो अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के साथ कदम ताल मिला रहे थे और कोविड 19 के इस खतरनाक पीरियड में लोगों की सेवा कर रहे थे। हर रोज़ हजारों लोगों का भरण पोषण करना, उनका खाने पीने की व्यवस्थाएं, उनकी जो दूसरी आवश्यक ज़रूरतें थी उनको पूरा करना और अपना जीवन कठिनाई में डालकर, अपना जीवन जोखिम में डालकर ये लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गए थे। तमाम ओहदे इन सभी लोगों को दिए गए। किसी ने इनको कोरोना वॉरियर कहा तो किसी ने कुछ कहा और इनकी काफ़ी तारीफ भी हुई, मीडिया ने भी इन्हें हाथों हाथ लिया। लेकिन सतपाल महाराज के इस एपिसोड से और ख़ास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो नेतागण थे, विधायकगण थे, उनके आचरण से जो कोविड 19 को ध्वस्त कर रहे थे उसको लेकर भी जनता में काफ़ी गुस्सा बढ़ गया था। इसी दौरान ये सब आवाज़ें उठने लगी कि आखिर सतपाल महाराज ने कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन किया है और वो बिना पास के दिल्ली गए। जैसी ये सूचना मिल रही थी, उन्होंने क्वारंटाइन होने के बावजूद दो बार कैबिनेट की बैठक में भाग लिया, तो इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। ये वो लोग थे जो लगातार सरकार के साथ खड़े हुए थे। हजारों लोग ऐसे थे जो जिनके पास खाना नहीं था और हल्द्वानी में सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो राशन मुहैया करा रहे थे। हमारे साथ साथ कई लोग खड़े थे जो लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसी एक घटना में पता चलता है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लोग, उनको सबको कोरोना हो गया, तो ये जो सरकार के गाइडलाइन है तो क्या सिर्फ पब्लिक के लिए है? इनके घर में दिल्ली से मेहमान आते हैं तो क्या उनका चेकअप नहीं होता है? कहीं भी कोई प्रवासी जा रहा है तो उसका पहले चेकअप हो रहा है, उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, तो इस गाइडलाइन का पालन सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? वो जनता के सामने क्या आदर्श स्थापित करना चाहते हैं? जब पानी सर से गुजरने लगा तो उत्तराखंड शासन ने अनियंत्रित व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। केंद्र की सूची से उत्तराखंड सरकार ने 75 ऐसे शहरों का चयन किया जो रेड जोन घोषित है। वहाँ से आने वाले सभी प्रवासियों को उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि उनका संस्थागत क्वारंटाइन रहना बहुत ज़रूरी है और वही सर्वोपरि है और उसके बाद ही उनको घर पर भेजा जाएगा। बाकायदा उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने इसको अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अब किसी भी तरह से लोग सीधे होम क्वारंटाइन नहीं होंगे और जो रेड जोन से आ रहे हैं, जो 75 शहरों से आ रहे हैं, जो सूचीबद्ध हैं, तो वहाँ से आने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर घर नहीं भेजा जाएगा। इन 75 जो हमारे हाई लोड स्थान हैं, जिनका कि एनेक्सर में जिनके डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया है। तो पॉलिटिकल सिस्टम अपना काम करता रहा और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जो गलतियाँ थी, जो उन्होंने कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन किया था, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत पूरी तरह से उनके पक्ष में आ गए। जब पार्टी को जनता के साथ होना चाहिए था और अपने मंत्री को समझाना चाहिए था,
तब पार्टी अपने उस मंत्री के साथ खड़ी हो गई जिसने गलती की थी और जिसका खामियाजा उसके परिवारजनों और उसके स्टाफ को भुगतना पड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि सतपाल महाराज को सतर्क रहने की तो ज़रूरत है, लेकिन उनके आवागमन को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें 10 जगह आना और जाना होता है, तो हमें यह नहीं पता होता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं है। सत्तारूढ़ दल के मुखिया का ऐसा बयान समाज में और ख़राब मैसेज लेकर गया, और भाजपा इतनी विषम और भयावह परिस्थितियों में कितनी संवेदनशील है इसका भी एक नज़ारा सरकार को देखने को मिला। सरकार के नुमाइंदों की गलती पर उनकी पीठ थपथपाने के इस बयान पर बंसीधर की काफ़ी किरकिरी तो हुई, लेकिन सरकार ने फिर भी इसका कोई काउंटर करना ज़रूरी नहीं समझा। इसमें कोई मुकदमा जैसी बात नहीं है, हमको नहीं पता हमको हमारे साथ कौन बैठा हुआ है। क्या पता कल हमको हो जाए तो हम तो 50 जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपराधी हो गए, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ही सतपाल महाराज के यहाँ कौन आया, उसको क्या था, उनको पता नहीं था, तो ये तो बाद में जानकारी आई। अब आपके सामने जिलेवार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रखना लाजमी हो गया है। किस तरह से मरीजों की संख्या पर्वतीय जिलों में तेजी से बढ़ी है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। अब इसकी एक मूल वजह यही है, कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म होगी। शुरू में हमने बताया कि किस तरह से सरकार ने गलतियां की। आने वाले प्रवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण की मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी, बॉर्डर पर उनके क्वारंटाइन करने की व्यवस्था नहीं थी, वो सीधे अपने गाँव गए और पर्वतीय जनपदों में मरीजों का ग्राफ इतनी तेज़ी से बढ़ा कि उन्होंने मैदानी जिलों को भी पीछे छोड़ दिया। नैनीताल एक ऐसा जनपद है जहां 300 के आसपास मरीज पहुंच गए हैं। नैनीताल आधा पर्वतीय और आधा मैदानी जिला है, लेकिन वहां 300 मरीजों का होना अपने आप में चौंकाता है। दूसरे नंबर पर जहां देहरादून है, तो उसके अलावा भी ऐसे कुछ ज़िले हैं जैसे टिहरी है, उधम सिंह नगर है और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है। अल्मोड़ा, हरिद्वार, इतनी तेज़ी से संख्याओं का की गति बढ़ी है, इतनी स्पीड के साथ बढ़ी है कि लोग हैरान रह गए। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हफ्ते हफ्ते भर तक एक भी मरीज नहीं आ रहा था, वहां पर अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 2-4 दर्जन मरीज नहीं आ रहे हों। हजार पार हुई इस संख्या से लोगों की पेशानी पर तो बल पड़ गए हैं, लेकिन सरकार इसके लिए अभी और क्या ज़रूरी इंतजाम करने जा रही है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस महामारी में जिस तरह से ये पैर पसार रही थी, तो लोगों के भीतर जिस समय भय था और जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो गैर सरकारी संगठन चलाने वाले लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, नियमों को फॉलो करके लोगों की मदद कर रहे थे, वो भी हैरान थे कि जिस सरकार का हम साथ दे रहे हैं, जिस जनता की हम सेवा कर रहे हैं, वो सरकार अपने नुमाइंदों पर लगाम लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। ये तमाम घटनाक्रम हुआ और आज स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई है। उत्तराखंड के भीतर जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, और आज मुख्यमंत्री को ये निर्णय लेना पड़ा कि सैटरडे और संडे को कम से कम देहरादून महानगर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर आज इतना ही, और आप भी घर रहिए, सेफ रहिए, और मैं अगले हफ्ते फिर किसी एक महत्वपूर्ण और एक गंभीर मुद्दे के साथ आपसे मिलूंगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबां आपकी, शुक्रिया आपका।